Click here to subscribe! Cinderella की कहानी। बहुत समय की बात है, एक दूर देश में एला नाम की एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। उसके पिता बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यापारी थे। वो लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। एक व्यापारी होने के नाते एला के पिता को अक्सर बाहर जाना पड़ता था। वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को हर खुशी देना चाहते थे। बार जब वो अपनी यात्रा से लौटते, अपनी प्यारी बेटी और अपनी पत्नी के लिए फूल लाना कभी नहीं भूलते थे। ये खूबसूरत फूल आप दोनों के लिए। शुक्रिया। तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने हम सबको रहने के लिए बहुत बड़ी हवेली खरीद ली है। वाह! हम सब जल्द ही वहाँ चले जाएंगे। खुशी और उत्साह से भरा ये परिवार अपने नए घर की ओर रवाना हो गया। उनका नया घर बहुत ही सुंदर था, जिसके सामने रंग बिरंगे फूलों से भरा एक बगीचा भी था। कितना मनमोहक और बड़ा बगीचा है। एला, तुम्हें कौन से फूल पसंद है? माँ, मुझे लिलीज बहुत अच्छी लगती है, क्या हम इसके पौधे लगाएं? समय का पहिया चलता गया और अब एला बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की बन गई। एक सुबह वो अपने बगीचे में कुछ लाल सेब चुन रही थी कि तभी उसने दो प्यारी चिड़िया देखी और उन दोनों को अपने पास रखने का मन बना लिया। कितने प्यारे हो तुम, मेरे साथ रहोगे?
दुर्भाग्यवश एला और उसकी माँ का बस इतना ही साथ था। दिन गुजरते गए। क्या हुआ? यहाँ आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। केटी, अगर तुमने दोबारा ये किया तो मैं तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा खाना नहीं दूंगी। उस दिन एला के पिता एला से कुछ बात करने के लिए आए और बोले, एला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम दोनों बाहर जाकर खेलो और लड़ाई मत करना। क्या हुआ पिताजी? एला, मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम्हारी नई माँ और उसकी दो बेटियाँ अब हमारे साथ रहेंगी। मुझे पता है तुम्हें अपने सौतेली माँ को अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखेंगी। जी पिताजी। शुक्रिया एला। तो चलो हम तुम्हारी माँ से मिलते हैं। चलिए पिताजी। एला ने अपनी नई माँ का बहुत ही आदर के साथ अभिवादन किया। आपका स्वागत है माँ। शुक्रिया प्यारी बेटी। माँ, ये लिलीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम इनकी जगह गुलाब लगाएंगे। मैं इन सबको हमारा नया घर दिखाता हूँ। दिन गुजरते गए और फिर वो दिन आया जब एला के पिता को अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। अपना ध्यान रखना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। पिताजी, इसे तो आप भूल ही गए। शुक्रिया। जैसे ही एला के पिता घर से रवाना हुए, उसकी माँ और सौतेली बहनों का व्यवहार एकाएक बदल ही गया। एला, तुम खाली क्यों बैठी हो? कितना काम पड़ा है करने के लिए। जाओ और जाकर पूरे घर को शीशे की तरह चमका दो। और हाँ, कपड़े धोना मत भूलना। निराश एला समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी माँ और बहनों का व्यवहार अचानक से उसके प्रति क्यों बदल गया। उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाकर खुश हो रही थी। एला, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरा नाश्ता कहाँ है? और मेरा भी। एला की दोनों बहनें और सौतेली माँ बिचारी एला को सारा दिन किसी ना किसी काम में उलझाए रखती थी, पर एला ने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया और चुपचाप सारा काम करती रहती। कितना भी काम हो, पर एला अपने नन्हे दोस्तों को कभी नहीं भूलती थी। वो इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि उन्हें समय पर खाना मिल जाए। एला, उन पक्षियों के साथ खेलना बंद करो। हमें तुरंत ही नाश्ता और चाय परोसो। अभी परोसती हूँ।
देखो एला का चेहरा कितना अजीब सा दिख रहा है। बेचारी एला बिना कुछ बोले बस नाश्ता परोसती रही और उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती रही। माँ हम इसका नाम सिंड्रेला क्यों न रखे? बिल्कुल सही कहा तुमने। एक लंबी यात्रा करने के बाद एला के पिता बहुत सारे उपहारों के साथ घर लौटे। उपहार पाकर उनकी सौतेली बेटियां बहुत खुश हुई और उनको धन्यवाद किया। शुक्रिया पिताजी। एला तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो बस राग के पास खेल रही थी इसलिए उसके कपड़े इतने मैले हो गए। बहुत शरारती है एला। पिताजी ये फूल तो मुझे माँ की याद दिला देते हैं। सिंड्रेला खुश थी कि वो कुछ दिन अपने पिता के साथ हंसी भरे पल बिताएगी, पर उसकी खुशी कुछ ही दिनों की थी क्योंकि अब उसके पिता को व्यापार के सिलसिले में फिर से परदेश जाना था। सिंड्रेला वापस अपने काम पर लग जाओ। ठीक है माँ। एक सुबह घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही सिंड्रेला ने दरवाजा खोला उसको शाही सिपाही ने संदेशा दिया। राजकुमार ने यह निमंत्रण भिजवाया है। धन्यवाद। अचानक से उसकी सौतेली माँ उसके हाथ से निमंत्रण छीनकर पढ़ने लगी। लड़कियों, राजकुमार ने राज्य की सभी लड़कियों को उनके महल में होने वाले शाही समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। माँ क्या मैं भी आपके साथ शाही समारोह में आ सकती हूँ? हाँ, पर पहले तुम्हें घर के सारे काम खत्म करने होंगे। एशली और एलिसा के लिए सुंदर वस्त्र भी तैयार करने होंगे। सिंड्रेला खुश थी क्योंकि अब वो भी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी। चेहरे पर मुस्कान लिए सिंड्रेला ने अपनी माँ के द्वारा दिए गए सारे काम समय पर पूरे कर लिए। सिंड्रेला की दोनों बहनें और माँ सुंदर वस्त्र और गहने पहने राजमहल में जाने के लिए तैयार थी। मेरी बच्चिया कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। सिंड्रेला ने हिचकिचाते हुए अपने माँ से पूछा, माँ क्या मैं भी अब तैयार हो जाऊं? सिंड्रेला तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। बेहतर होगा तुम घर पर ही रहो। माँ मैं विनती करती हूँ मुझे भी ले चलो। माँ और बहनों ने सिंड्रेला की एक न सुनी और राजमहल के लिए रवाना हो गई। माँ मुझे भी ले चलो ना। मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने तो उनका हर कहा माना और सारे काम भी कर दिए। हताश और निराश सिंड्रेला अपने नन्हे दोस्तों के साथ चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी कि तभी एक तेज रोशनी से उसका कमरा जगमगा उठा और उसमें से परी माँ प्रकट हुई। मेरी प्यारी बच्ची तुम इतनी उदास और गुमसुम क्यों हो? मुझे समारोह पे जाना है पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
परी माँ ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पल भर में सिंड्रेला को नई पोशाक और कांच के बड़े ही सुंदर जूते मिल गए। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। मेरे पास राजमहल जाने के लिए कोई वाहन नहीं है। कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे पास 7 चूहे और कद्दू है? क्या 5 जानवर और 1 कद्दू चलेगा? ठीक है, चलो अब मेरे साथ। परी माँ ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक शानदार बग्घी तैयार कर दी। चलो चलो, अब इस बग्घी में बैठो और राजमहल पहुंचकर राजकुमार से मिलो। सिंड्रेला, याद रखना, तुम्हें 12 बजे से पहले घर लौटना है, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं ये बात जरूर याद रखूंगी। मदद करने के लिए धन्यवाद। सिंड्रेला ने मुस्कुराते हुए परी माँ को अलविदा कहा और राजमहल के लिए रवाना हो गई। सिंड्रेला जैसे ही राजमहल पहुंची, उसने पाया कि वहां मौजूद लोग जलसे का आनंद उठा रहे थे। राजमहल की सजावट बहुत ही आकर्षक थी। जगमगाते हुए झूमर और दीपक ने तो राजमहल की सजावट को 4 चांद लगा दिए थे। कृपया ध्यान दे, राजकुमार जल्द ही पधार रहे हैं। आप सबका इस समारोह में स्वागत है। वाह! क्या मैं आपके साथ कुछ देर नृत्य कर सकता हूँ? एकाएक प्रिंस की नजर सिंड्रेला पर पड़ी। उसकी खूबसूरती ने राजकुमार का मन जीत लिया। बड़े ही आदर के साथ उसने सिंड्रेला से कहा, क्या मैं आपके साथ कुछ देर नृत्य कर सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं। सिंड्रेला और राजकुमार एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। दोनों हंस रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। अचानक सिंड्रेला को परी माँ की दी हुई चेतावनी याद आ गई। उसने घड़ी की ओर देखा और घबरा गई। आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे जाना है। सिंड्रेला समय रहते ही राजमहल से बाहर निकल गई, पर जल्दबाजी में उसका एक कांच का जूता राजमहल में ही छूट गया। सिंड्रेला को भागते देख राजकुमार ने उसका पीछा किया, पर वह आंखों से ओझल हो चुकी थी। राजकुमार को सिंड्रेला का कांच का जूता मिला और उसने सिपाहियों को एकत्रित होने का आदेश दिया। राज्य की हर लड़की को यह जूता पहना कर देखो, मुझे उस लड़की को ढूंढना ही है। राजमहल के सभी सिपाही हर मुमकिन कोशिश करने लगे ताकि वो लड़की मिल जाए जिसका वो कांच का जूता था। और इधर सिंड्रेला हर रोज की तरह घर के सारे काम करने में व्यस्त थी। उसकी सौतेली बहनें हमेशा की तरह आराम फरमा रही थी। उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया।
मुझे उस लड़की की तलाश है जिसका यह जूता है। मेरी बेटियां जरूर पहनेंगी इसे। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें जबरदस्ती उस जूते में अपना पैर डालने की कोशिश कर रही थी, परंतु असफल रही। क्या आप ये जूता पहनना पसंद करेगी? वो सिर्फ एक नौकर है। हाँ, क्यों नहीं? जैसे ही सिंड्रेला ने अपना पैर उस नाजुक कांच के जूते में डाला, राजकुमार के चेहरे पर हंसी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जूता सिंड्रेला को पूरी तरह से फिट हो गया। परंतु उसकी माँ और बहनें ये देखकर हैरान रह गई थी। तुम ही वो लड़की हो ना जो मुझे महोत्सव में मिली थी? क्या आप मेरी दोस्ती कबूल करेंगी? धन्यवाद। आखिरकार राजकुमार और प्यारी सिंड्रेला दोस्त बन गए और शाही महल में हंसी खुशी अपने नन्हे दोस्तों के साथ अच्छे पल गुजारने लगे। जगमगाती हुई सुहानी रात को बेबी हेजल अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी, पर जल्द ही उसे नींद आने लगी और वो सो गई। वो गहरी नींद में थी कि तभी अचानक तेज हवा के झोंके से खिड़की खुल गई। हेजल अपनी किताबें शेल्फ पर वापस रख रही थी कि अचानक एक किताब में से सुनहरी किरणें निकलने लगी। अभी वो समझ ही नहीं पाई थी कि क्या हुआ है कि तभी किताब में से जादुई किरणें निकली और उसमें से दो बौने बाहर आए। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेजल, मैं हूँ ग्लटी। प्यारी लड़की घबराओ मत, मेरा नाम है विटी और हम दोनों स्नो वाइट की दुनिया से आए हैं। हाँ? स्नो वाइट की दुनिया से? हाँ। कितना प्यारा फूल है। हेजल अब बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। वो विटी और ग्लटी के आश्चर्यजनक जादू से काफी प्रभावित और खुश हो गई थी। कितना प्यारा है ये। मुझे और भी जादू देखनी है। क्या तुम मुझे अपने साथ अपनी जादुई दुनिया में ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर तुम इतनी उत्सुक क्यों हो? मेरी दिली तमन्ना है कि मैं आप लोगों की रहस्यमय दुनिया में जाऊं और राजकुमारी स्नो वाइट से मिलूं।
अब हम आगे कैसे जाएंगे? पर चतुर विटी के पास हर समस्या का हल था। हेज़ल एक छोटे से बादल के अंदर समा गई और एक बहुत ही प्यारी बच्ची बन गई। उसी जादुई दुनिया में एक महान राजा और रानी रहते थे। राजा और रानी को उनके महल में आने वाले एक नन्हे मेहमान का बहुत बेसब्री से इंतजार था। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। ठीक है। मेरी प्रिय रानी, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। खूबसूरत है ये। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मेरी तमन्ना है कि मेरी बेटी परियों से सुंदर हो, उसके ओठ गुलाब की तरह लाल और बाल काले घने हो। मेरी प्रिय रानी, मेरी भी यही ख्वाहिश है। इस प्यारी रात में गाते रहे हम, गाते रहे चांद के साथ, गुनगुनाते रहे गुनगुनाते रहे। महल में हर एक को जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई। बच्चे की किलकारी से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई।
महल में स्वागत है नन्ही राजकुमारी। इस चांद के टुकड़े का हम क्या नाम रखें? मेरी प्यारी बेटी, हम इसे प्यार से स्नो वाइट बुलाएंगे। कदमों की आहट से लटी घबरा गया और गायब हो गया। सुंदर रानी ने राजकुमारी का कक्ष बहुत ही सुंदर सजाया है। हैरानी की बात है, महाराज ने कितनी जल्दी इस कक्ष को सजा दिया। इस बात से बेखबर कि ग्लटी ने कक्ष को सजाया है, राजा रानी ये सोचकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे कि उनमें से ही किसी एक ने सजाया है। दिन गुजरते गए, राजा रानी बहुत लाड़ प्यार से राजकुमारी की परवरिश कर रहे थे। साल गुजरते गए, स्नो व्हाइट ना केवल अपनी माँ की तरह सुंदर बल्कि अपने पिता की तरह बहादुर बनना चाहती थी। राजकुमारी घबराओ मत, मैं जानता हूं तुम मेरी बहादुर बेटी हो। अरे वाह, कैसी हो तुम जैस्मिन? मैं ठीक हूँ राजकुमारी, आपके लिए ये प्यारा सा तोहफा लाई हूँ। शुक्रिया जैस्मिन, कितना प्यारा है ये, कहाँ से लाई हो? मैं पड़ोसी राज्य के एक उत्सव में शामिल होने गई थी, बस वही मुझे ये मिल गया। हाँ? उत्सव? उत्सव के बारे में सुनते ही स्नो व्हाइट खिलखिला उठी। अच्छा तो मैं चलती हूँ राजकुमारी, फिर मिलती हूँ। अलविदा जैस्मिन। पिताश्री, क्या हम लोग भी उत्सव में जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सावधान, महाराज और राजकुमारी जल्द ही पधार रहे हैं। ये खबर सुनकर प्रजा फूली नहीं समा रही थी, परंतु एक बुढ़िया जो मिट्टी के मटके बना रही थी ये खबर सुनके आश्चर्यचकित रह गई। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। महाराज, पिताजी चलिए हम भी मिट्टी के मटके बनाते हैं। क्यों नहीं बेटा। हाँ,
महाराज, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी छोटी सी दुकान में आए। महाराज, जादूगरनी गुस्से से लाल हो रही थी। वो किसी भी कीमत पर राजा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। ये राजकुमारी, महाराज को कैसे आकर्षित करूं? पर स्वादिष्ट आइसक्रीम खाओ। अरे, ये दुकान भी आपकी है? जी राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, कौन सी आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी? स्ट्रॉबेरी। धन्यवाद। राजा उसकी खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। स्नो व्हाइट अपने पिता को देखकर खुश हुई, परंतु उसकी ये खुशी सिर्फ पल भर के लिए थी। पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम भूल गई, इनसे हम उत्सव में मिले थे और अब ये तुम्हारी सौतेली माँ है। ये बहुत अच्छी है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। मुझे पता है कि तुम बहुत निराश हो बेटी, मैं तुम्हारी माँ को कभी नहीं भूल पाऊंगा। कैसी हो स्नो व्हाइट? ठीक हूँ। इस पिंजरे में कैसा लग रहा है? देखा,
मैं बन ही गई तुम्हारे राज्य की नई रानी, जो कि अब बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कैसे भूल सकती हो वो दिन जब मैंने तुम्हें कैद किया था। ये खिड़की खोलने की गुस्ताखी कौन कर रहा है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कक्ष में आने की? लगता है दरवाजे पर कोई है, मुझे जल्द ही अपना जादुई रूप धारण कर लेना चाहिए। बहुत सारे असफल प्रयासों के बाद आखिर चतुर रानी ने जादुई मिश्रण तैयार कर लिया। बन ही गई मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी, अब हूँ मैं सबसे शक्तिशाली। मुझे ये जादुई मिश्रण संभाल के रख लेना चाहिए। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। आहा, ये फूल तो तुम्हारी ही तरह सुंदर है। रानी माँ, इन पंछियों को आपने क्यों कैद किया हुआ है? मेरी प्यारी बच्ची, क्योंकि ये पंछी मुझे बहुत ही प्यारे हैं। रानी माँ, क्या मैं इन्हें अपने पास रख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। जादुई शीशे, मुझे बता
कौन है सबसे खूबसूरत? आप ही हो सबसे खूबसूरत। ये बातचीत हमारे दोनों राज्यों के लिए लाभदायक साबित होगी। ओ, कितनी खूबसूरत है ये। ये है मेरी प्यारी बेटी स्नो व्हाइट। ओ, कितनी खूबसूरत है ये। जादुई शीशे, मुझे बता कौन है सबसे खूबसूरत? रानी साहिबा, आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अब स्नो व्हाइट की सुंदरता आपसे बहुत बढ़कर है। रानी साहिबा, क्या आज्ञा है आपकी? जेफरी, ध्यान से सुनो। तुम्हें स्नो व्हाइट को इतनी गहरी नींद में सुलाना है कि वो कभी ना उठ पाए। और हाँ, इस बात का मुझे सबूत चाहिए कि वो गहरी नींद में चली गई है। पर राजकुमारी, जैसा आपका हुक्म रानी साहिबा। मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मैं तो बस आपकी सौतेली माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरी माँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। राजकुमारी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। जाइए राजकुमारी, भाग जाइए।